हेलो दोस्तों, मैं हरजात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि फाइनली सीरियल का वो चैप्टर क्लोज हो गया है जिसका इंतजार हमको बेसब्री से था। लेकिन जब ये आया तो हम सब सोच रहे थे कि भाई कब जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सीरियल के मेकर्स ने इन सब चीजों को खींच दिया ना यार, कि सारा मजेदार ट्रैक जो था वो बोरिंग ट्रैक में तब्दील हो गया और हमें पता भी नहीं चला। अब वेल, आने वाला एपिसोड जो है वो वाकई में एक्शन से भरपूर है, क्योंकि एक्शन की शुरुआत पिछले एपिसोड में ईशान कर चुका है। यहां पर ईशान ये साबित कर देता है कि वो वाकई में सच का साथ देता है तो डट कर देता है, लेकिन अगर किसी के अगेंस्ट होता है तो डट कर ही होता है। अब यहां पर सभी ने जो है ईशान को इन्वेस्टिगेट करवा दिया है, तो आने वाले एपिसोड में सभी ही यहां पर जो है ईशान को बोलने वाले कि इसे रेस्टिगेट मत करो। और यहां पर ईशान बोलेगा, इतने दिन तो तुम पीछे पड़ी हुई थी, अब जाकर तुम बोल रही हो जब हमने फैसला सुना दिया है सभी के सामने कि इसे रेस्टिगेट कर दिया, तो तुम कह रही हो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर उसको सपोर्ट मिलने वाला है यहां पर सभी को, यशवंत राव का, क्योंकि यशवंत भी जानते हैं कि बर्वे के बेटे को अगर रेस्टिगेट किया तो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि कॉलेज का बहुत बड़ा ट्रस्ट भी चल जाएगा और पैसों की थोड़ी सी मंदी हो सकती है। तो ऐसे में यहां पर वो पहली बार सभी का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे कि हाँ ईशान, हमको ऐसा ही करना चाहिए। अगर वो खुद कह रही है तो हम लोग जो है उसको माफ कर देते हैं, अगर सभी कुछ माफ करना चाह रही है तो। और यहां पर जो आयुष है उसको माफी मिलते हुए नजर आएगी। अब यहां पर रात को जाकर हरिणी ताई के साथ बढ़िया पार्टी वार्टी का प्लान यहां पर होने वाला है, लेकिन एक तरफ यहां पर माहौल खुशी का है तो दूसरी ओर रामटेक में माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा। अब यहां आने वाले एपिसोड के अंदर ईशा मैम जो है पूरी तरीके से खुश हैं, दुखी भी हैं थोड़ी कि यहां पर सभी को जीत मिल गई है, उसे इंसाफ मिल गया है। दूसरी तरफ दुखी इस चीज को लेकर है कि उन्हीं की बेटी जैसी सबसे खास स्टूडेंट्स ने उन्हीं के बेटे को लेकर सवाल पूछ लिया है। अब यहां पर किस तरीके से ईशा मैम एक्सप्लेन करे सभी को उसके रिश्ते के बारे में, और सभी ने पूछ लिया है कि आखिरकार क्या हुआ था आपके और ईशान के बीच में कि आपको उनको छोड़कर जाना पड़ा। यहां पर ईशा मैम कहेगी कि बाला तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, तू इन सब चीजों से दूर रहे और खासकर उसके परिवार से दूर रहे, तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। देख इतने दिनों से तू क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई इन सब चीजों के कारण, और तेरे मिड टर्म टेस्ट भी जल्दी आने वाले हैं, तो तुझे अब उस पर फोकस करना होगा और ये नाम रोशन करना होगा कि तू केवल रामटेक की ईशा मैम की स्टूडेंट होकर टॉपर नहीं है, तो जिस जगह जाएगी तो उस जगह की भी टॉपर ही रहेगी। तो ऐसे में सभी यहां पर बहुत खुश होने वाले हैं, लेकिन सभी डिसाइड करने वाले हैं फोन कट होने के बाद कि यहां पर वो गुरु दक्षिणा के तौर पर उनको उनका बेटा लौटाएगी और पुराने सारे रिश्ते लौटाएगी, और जो ईशा मैम अकेली रामटेक में रह रही है उन्हें फिर से यहां पर लाकर पूरा परिवार सौंपेगी। अब यहां पर सभी का ये मिशन जो है पूरे सीरियल का लीड कहानी है, क्योंकि देखो कहानियां एक होती है पूरे टीवी सीरियल में, लेकिन उसके अंदर अलग अलग ट्रैक आकर जुड़ते चले जाते हैं। एंड सीरियल का असल प्लॉट तो ये ईशा मैम वाली स्टोरी लाइन ही है जो कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरियल के अंदर। इसी के साथ ही दोस्तों यहां पर जो सभी का जो दूल्हा बनने वाला था उसके जो पिता है, समृद्ध के जो पिता है और जो वीनू है, वो पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं कि ईशा मैम को सबक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना रामटेक गांव में हमारी नाक कटी की कटी रह जाएगी और ईशा मैम जैसे लोग जो हैं गांव की बाकी लड़कियों को भी भड़का देंगे और उनको भी भगाने में साथ देंगे। अब यहां पर वो लोग जो है पुलिस से और कानून व्यवस्था से तो ईशा मैम को कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ईशा मैम बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही कमाल की प्रोफेसर है, तो उन्हें सारे कानून पता है और वो यहां पर हर चीज में परफेक्ट है। तो ऐसे में वो यहां पर दमखम का यूज करते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर ईशा मैम के ऊपर हमला करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पर वो लोग ईशा मैम को पूरी तरीके से डराते हुए धमकाते हुए नजर आएंगे कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था और फिलहाल वक्त हो चुका है कि तुम्हें इस गांव से निकलना होगा, और जो तुम महिलाओं को पढ़ाकर जो नाटकबाजियां कर रही हो उन्हें बंद करना होगा, क्योंकि इससे गांव की महिलाएं जो हैं वो विद्रोह करने लगी है और शहर के बाहर जाना और नौकरी करने जैसी चीजों पर जो है फोर्स करने लगी है, जो कि रामटेक के अंदर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर रामटेक के सस्ते ठेकेदारों ने यह ठान लिया है कि जो महिलाएं सर उठाकर जीना चाहती है उनका सर हमेशा के लिए झुका दिया जाए, ईशा मैम को झुकाकर और सभी का बदला भी ले लिया जाए। तो ऐसे में वो लोग पूरी तरीके से ईशा मैम को परेशान करने वाले हैं और इस कारण से उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी कॉलेज में मस्ती का वक्त हो चला है और इससे पहले हरिणी ताई सभी ये सब सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी इस बिगेस्ट विक्ट्री को जो उसने पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाकर जीती है, तो इससे बड़ी जीत भला क्या हो सकती है। ऐसे में यहां पर दूसरी ओर अब सभी क्लास भी सर उठाकर अटेंड करने वाली है, सभी लोग मतलब
मानो सभी के फैन बन चुके हैं यार। ये वही रॉबिन हुड लड़की है जिसने ट्रस्टी के बेटे आयुष तक को कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दिया था और उसके बाद अपना दरियाल दिल दिखाकर उसको फिर से कॉलेज में एडमिशन भी दे दिया। ऐसे में काफी सारे सीन आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ईशान भी टेस्ट लेते हुए नजर आएगा और उसे लगेगा कि इतने दिनों से इसने क्लास अटेंड नहीं की, क्या ही दे पाएगी। लेकिन जब वो देखेगा कि यार इसने क्लास भी नहीं ली फिर भी ये टॉप कर रही है, तो ईशान भी सल्यूट करने वाला है इस लड़की को कि वाकई में बहुत कमाल की स्टूडेंट है। ऑल ओवर दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी शानदार होने वाला है। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं मेरे साथ, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।